वाह वाह वाह, जर्सी की स्टार कास्ट आई हुई है। हाँ, मलाड़ के देवानंद। हेलो शाहिद सर। हेलो मुनाल मैम। हेलो, माय सेल्फ इज चंदू। हाय चंदू। वो लोग अपनी फिल्म की प्रमोशन में बहुत बिजी हैं, अब 3-4 साल बाद आना। चलो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इधर, मेरे को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया है। ये देखो, ये मेरे लिए हो रहा है। पर तू तो किसी बस में चढ़ जाए, डायरेक्ट कंडक्टर ने तेरे को बुलाता, तू बोल रहा तेरे को चीफ गेस्ट बुलाया। उसने ये बस में चढ़ा, ड्राइवर कूद गया, कहता मेरे ले जाना। कहता सवारियों वाली बस है, मैंने कूड़ा करकट थोड़ी देख जाना। नहीं नहीं शायद सर, एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड था। तो जैसे मैं बस के अंदर गया तो उसको लगा गाड़ी आज उसका भाई चलाएगा। खैर जोक्स अपार्ट सर, सर आपकी फिल्म आ रही है जी क्रिकेट पे, तो मेरे को भी क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और जब से इसने इंटरेस्ट लिया ना, विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ दी। वो कहता मेरा दिल ही नहीं लगता। हाँ, तो जहाँ उन्होंने दिल लगाया हुआ, बहुत अच्छा सर लगाया हुआ है दिल। आप तो जानते हैं सर, बॉलीवुड की आधे से ज्यादा एक्ट्रेस जो हैं वो क्रिकेटर्स को डेट कर रही हैं। मुनाल जी, आप भी इस फिल्म में शायद सर क्रिकेटर हैं, आप इनको डेट कर रही हैं जी। तो सर, मैंने आपकी फिल्म के स्पेलिंग देखे, बहुत ही कमाल के थे। ओए, ट्रेलर देखा ऐसे बोलते हैं। तो आप तो फिर बाद में स्पेलिंग ही पूछोगे ना। मैं तेरे को एक गेम खिलाऊं, इसको हाथ से पकड़। देख देख, फिर को मजा आएगा। ये फूल किसके लिए लेके आया, देख क्यों नहीं रहा उनको? ओ यार, ये मैं अपने लिए लेकर आया, मैं चीफ गेस्ट हूँ। मुन्नाल जी जी, आपको किस टाइप के लड़के पसंद हैं? तुझे छोड़ के बाकी सारे। प्लीज यार, डोंट डिस्टर्ब। मैंने तूफान मूवी देखी, उसमें फरहान अख्तर साहब थे, उनके साथ भी आपने झगड़ा किया। उसके बाद मैंने धमाका देखी, धमाका में भी आपने कार्तिक साहब के साथ झगड़ा किया। उसके बाद ये जो जर्सी का ट्रेलर है, इसमें भी साक्षात फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेट हीरो श्री शाहिद कपूर जी, उनके साथ भी आप झगड़ा करते नजर आ रही हैं। तो आप कहीं मुझ जैसे चॉकलेटी बॉय को तो नहीं ढूंढ रही? इधर दिखा। Yeah. ओए चॉकलेट, ये पुराने पिज़्ज़े जैसा तेरा मुंह है। तू और चॉकलेटी बॉय? हाँ, बचपन में सर मेरे को स्कूल में चॉकलेटी बॉय कहते थे। हाँ, कॉलेज में फिर पैटी बॉय बोलने लगे, क्योंकि स्कूल में चॉकलेट बेचता था, कॉलेज में पैटी बेचना शुरू हो गया। वो ना सर, मेरी बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी थी, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था बड़ा होकर। एक काम कर, एंटरप्रेन्योर तू 3 बार बोल, तेरी आज की पेमेंट, एंट्री की भी जरूरत नहीं, बाकी भूल जा, पैसे पूरे मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर तूने बोलना 3 बार बैक टू बैक। तीन बार बोलना है ना? हाँ, उसके बाद एंट्री खत्म। हाँ, नहीं यार, मैं फ्री की नहीं खाता, मैं पूरी एंट्री करूंगा। नहीं सर, पता क्या चक्कर है, मेहनत की कमाई खानी चाहिए। ऐसे मैं एंट्री करूँ ना, बाद में मेरे को चैनल पैसे दे, वो मैं नहीं, प्लीज। और सर, मैं तो सच में, मैं इतना अच्छा बिजनेस करने लगा था उस टाइम पे, लोग तो मेरे को गुड बाय कहने लगे थे उस टाइम। गुड बाय? हाँ, क्यों? इतने बड़े बिजनेसमैन को जब लोग टाटा टाटा कह सकते हैं, तो मेरा तो गुड बाय बनता ही था। और सर मैं आपको बताऊं, मेरे को उस टाइम पे डॉक्टर की भी बड़ी नॉलेज थी, अभी भी है। तो मैं तो एक टिप्स देता था, जैसे बंदे को चोट लग जाए तो सामने वाले को किस कर दो, चोट ठीक हो जाती थी। किस करने से कैसे ठीक हो जाता है? आप गलत इंसान से सवाल कर रहे हैं, सवाल इनसे करिए, इनको ज्यादा पता है। वो इनकी फिल्म का करेक्टर ऐसा होता है, इसलिए आज तूने मुंह हार्पिक से धोया। ये मेरी बात सुनो, मुद्दे से ना भड़काओ, मेरे को ये पता है शायद सर इज द बेस्ट एक्टर, मैंने इनकी सारी फिल्में देखी हैं। प्लीज जोरदार तालियां सर के लिए। और मेरी बात सुनो, कोई भी बात करने से पहले ना ये सोच रहे ना कि अब मैं वो चंदू नहीं रहा। अब तू प्रिंस चार्ल्स के यहाँ कुक लग गया है। मैं कैटी पेरी के यहाँ माली लगाऊंगा। और बोलो, वो ब्लूबेरी तूने कभी खाई नहीं? कैटी पेरी कहाँ मिली? इंडिया में तेरे को काम नहीं देता, कैटी पेरी ने तुझे कैसे काम दिया? इंडिया ने सर मुझे काम मिलेगा कहाँ से? कर्चना, ये आप ही बताइए मुझे। हाँ, सारे काम तो इसने पकड़ के रखे, नेटफ्लिक्स ये कर रहा है, फिल्में ये कर रहा है, शो ये कर रहा है, मेरे को काम दास दादा नहीं दे रहा है। चल मैं तेरे को लॉन्च करता हूँ। वेरी गुड, ये हुई ना बात, जोरदार तालियां मेरे लिए। एक सीन करते हैं।
शाहिद भाई अगर आपकी इजाजत है एब्सोल्युटली प्लीज मुनाल प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो मुझे पता है वैसे बुरा मानने वाली बात ही कर रहा हूँ मैं तो ये आपका हीरो है जी मान लो उसमें क्या है अच्छा ठीक है मान लेती हूँ तू भी मान ले कि तू हीरो है मैं तो कब से मान के बैठा हूँ तुम मानने नहीं दे रहे चलो ये तुम दोनों का मोहब्बत चल रही है ऑलरेडी रुको बुके उधर रखने दो मेरे को रख दीजिए तो तुम दोनों की ऑलरेडी मोहब्बत चल रही है और उसने मतलब आप अपने हिसाब से देख लो जो आपका दिल करता है बोलो वाह क्या बात है रजनीकांत का ड्राइवर भी रहा ना ये मुन्नाल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा चंदू तो प्लीज मेरे पीछे पीछे आना छोड़ दो तो फिर मेरे को भाड़ा कहाँ से मिलेगा वो मेरे पापा है मैंने आपके बारे में बात की थी तो उन्होंने मना कर दिया पक्का तुमने मेरी फोटो दिखाई होगी तुम्हारे तो क्या मेरे तो अपने पापा मुझे लाइक नहीं करते अच्छा ठीक है वो सब जाने दो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कमाते कितना हो मैं 10 साल से ये शो कर रहा हूँ मुन्नाल अगले साल मेरी पेंशन लग जाएगी सुनो 300 रुपए में कुछ नहीं होने वाला तुम्हें मेरी पेमेंट किसने बताई मतलब गाइस मुन्नाल जी प्लीज कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो एक बार कह दो बस एक बार ठीक है आई लाइक यू मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है सोनी लिव वालों ने मुझे बैन किया हुआ है करूं तो करूं क्या मैं क्या बात है चंद्र तुम फिल्मों में बिजी हो मैं भी फिल्मों के ऑडिशनों में बिजी हूं तो मैं तुम्हारी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शायद सर आपको भी शुभकामनाएं बहुत बहुत थैंक यू सो मच शायद सर बिग फैन थैंक यू सर बिग फैन कॉन्ग्रेचुलेशन सर एक बार शाहिद भाई और मृणाल के लिए जोरदार तालियां मृणाल जी शाहिद भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू आज की शाम बड़ी मजेदार थी और आई होप आप दोनों ने भी एंजॉय किया होगा बहुत ज्यादा और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच लव यू भाई लव यू बोल थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़